तो आज हम लोग मॉडुलस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाया था, आज देखते हैं तो मॉडुलस को देख लें। सबसे पहला स्टार्ट किए हैं मॉडुलस के उन टर्म्स को, हालांकि एक बार इसको किया गया है फिर भी करते हैं। और पहले हम देखते हैं कि अगर कोई हम रियल नंबर ले लेते हैं ए, रियल नंबर ए ले लेते हैं तो उनके साथ क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं। अगर ए हमने लिया है और हमें एक कंडीशन दिया है मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो इसका कंडीशनल वैल्यू क्या होता है कि ए जो एग्जिस्ट, एक्स जो एग्जिस्ट करेगा वो माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि माइनस ए से लेकर ए तक इसकी वैल्यू को, ये वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगा। अब शायद हो सकता है कि पिछली बार हम इसमें एग्जाम्पल्स नहीं दिए थे तो नहीं समझ में आया था, लेकिन ठीक से इस बार देखो एग्जाम्पल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि ए को 2 मान लेते हैं और एक्स को मॉडुलस से बाहर कर देते हैं, तो यहां प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको जब प्लस वाले टर्म्स को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा x लेस देन 2, बट जब माइनस वाले साइन को लेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि x लेस देन इक्वल टू 2। अब पिछली बार हमने बताया था कि जब भी साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज होता है माइनस यानी नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ, तो इधर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे और इधर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऐसा हम करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा इसको दिखाते हैं। जैसे ये 2 इज ग्रेटर देन 3, ये थोड़ा सा गलत हो गया, लेस देन 3, लेस देन 3। अब हम दोनों तरफ माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक हो गया माइनस 2 और एक माइनस 3, इसमें से कौन बड़ा है आशीष? माइनस 2 बड़ा है, तो ये देखो माइनस साइन बदल गया, साइन बदल गया ना। जब नेगेटिव साइन का हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो साइन बदल गया, तभी ऐसे रह गया। अगर यहां पे हम लेस देन लगा दें तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सही है? तो इसलिए जब भी माइनस साइन का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों तरफ तो ये जो अनइक्वलिटी साइन है वो चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो इस कंडीशन से जब प्लस वाला लिया तब तो ठीक है एक्स लेस देन इक्वल टू 2, बट जब निगेटिव साइन लिया तो ये चूंकि हमें निगेटिव एक्स से फाइंड नहीं करना है, एक्स फाइंड करना है, तो माइनस साइन का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो हमने किया और ऐसा करने पर हमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिली। इसको आप ग्राफ पर देखें, ग्राफ पे ये कैसा दिखेगा। एक नंबर लाइन ले लिया हमने और उस नंबर लाइन में पहली कंडीशन को हम देते हैं एक्स लेस देन 2, एक्स लेस देन 2, तो वो नंबर कौन सा होगा ये देखिए। 2 को इंक्लूड करते हुए इसके पीछे के सारे नंबर्स होंगे, ये सारे नंबर्स
दो या दो से छोटे ये सारे नंबर क्या होंगे, x की वैल्यू होंगे इस कंडीशन में। अब कंडीशन नंबर दूसरा लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, और इसको ग्राफ कर देखते हैं ये कैसा दिखेगा। माइनस टू से बड़े सारे नंबर, ठीक है, माइनस टू से बड़े सारे नंबर, और इसमें ये इक्वलिटी साइन भी लगा हुआ है, इसलिए माइनस टू भी इधर इंक्लूड होगा और इधर टू भी इंक्लूड होगा। अब दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, ये वैल्यू अलग आएगी और ये वैल्यू अलग आएगी,
डिफरेंट है, कंबाइंड वैल्यू मिले थे, इसमें नहीं मिलेगा तो इसको भी ग्राफ पर दिखाते हैं। और शायद पिछली बार यही हुआ था कि ग्राफ करना दिखाकर ऐसे ही आप लोगों को समझाया था, हालांकि ग्राफ मैंने बनाया तो यहाँ पर तो बनाया था, शायद आप लोगों को तो उसको नहीं हम फिर से शॉर्ट लेकर उसको दिखाई चाहिए। चलो ठीक है, आज दिखाते हैं उसको ग्राफ। तो यहाँ का मान लेते हैं कि ए वन है, टू भी मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से मान लो। हमने मान लिया कि ए वन है तो इन दोनों के अनुसार कंडीशन दो मिले, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें आ जाएगा कैसे कि एक्स दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ये तो सही है, लेकिन जब देगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन और फिर यहाँ वही साइन अप्लाइड होगा कि माइनस साइन से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये तो एक्स हो जाएगा, लेकिन इधर साइन बदल जाएंगे और ये माइनस वन हो जाएगा, तो एक ग्रेटर देन आ गया और एक स्मॉलर देन हो गया और दोनों अलग अलग पॉइंट से होंगे। कैसे होंगे ये देखिए, इसके लिए भी एक ग्राफ बनाते हैं और फर्स्ट कंडीशन की वैल्यूज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन और वो सारे नंबर्स कौन सा होंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन ग्रीन कलर के एरो नजर आइए वो उसके सारे थे। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन, वो देखो कहां से आ रहा है, लेस देन इक्वल टू। अब क्या ये दोनों लाइन कॉमन है एक दूसरे के साथ, ये कॉमन नहीं है, इनके बीच में देखो ब्रेक है, तो इसको कॉमन करके एक सॉल्यूशन से नहीं लिया जा सकता है। लेकिन चूंकि मॉडुलस जो हम लेते हैं वो लीनियर फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन होगा लेकिन वो कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, उसकी उसको एक पार्ट से नहीं दिखाया जा सकता, उसको दो पार्ट से दिखाया जाता है। और इसको जनरली अगर हम सॉल्यूशन देना चाहें तो हम लेंगे x इज इक्वल टू ये दोनों पार्ट्स को, वो लेंगे माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन ये पार्ट हो जाएगा और यूनियन वन। इस तरह इसकी वैल्यू को लेते हैं हम, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि वैल्यू तो मॉडुलस में तो निकलेगा और उसकी वैल्यू भी लिखेंगे, लेकिन वो कॉमन वैल्यू नहीं होगा, वो दोनों वैल्यू डिफरेंट होगा तब जब वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू किसी कॉन्स्टेंट पे होगा, तो उसके दो वैल्यू जाएंगे और वो दोनों अनकनेक्टेड नॉन कनेक्टेड है, ठीक है। उनकी यूनियन वैल्यूज को हम आंसर्स पे लिख सकते हैं लेकिन वो कनेक्टेड नहीं होगा, जैसे कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेक रहेगा और बाकी इनसे छोड़कर मतलब माइनस वन से बड़ा और वन से छोटे सारे वैल्यूज को छोड़कर बाकी सारा इसका सॉल्यूशन होगा। ये समझ में आएगा प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ये भी शायद हो सकता है कि उसको आपने नहीं दिखाया होगा क्योंकि केवल बता दिया था, ग्राफ पर लाया नहीं था उसको, तो उसको भी देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि x अगर जीरो होगा तो मॉडुलस में कुछ भी हो वैल्यू उसका जीरो ही होगा, क्यों ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा क्यों होगा, हाँ जीरो कोई साइन कैरी नहीं करता है और इसीलिए इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं बदलेगी, चाहे मॉडुलस में रखो चाहे कहीं पे भी रखो,
ये हमेशा जीरो ही रहेगा, ना पॉजिटिव जीरो होता है और ना ही है निगेटिव जीरो होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, किसी भी वैल्यू एक्स के लिए अगर वो रियल वैल्यू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो। और आशीष तुम्हारे सवालों का जवाब यही है, जब भी हम लगा देंगे वैल्यू दे देंगे एक्स का तो मॉडुलस से जितने भी नंबर मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेगा। जब वेरिएबल से आप वैल्यू डाल देंगे तो वो वैल्यू मॉडुलस के अंदर है तो हमेशा ही पॉजिटिव निकलेगा। तो अगर उसके पीछे कोई साइन नहीं लगा रहता है तो जो भी निकलेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, या तो जीरो या फिर जीरो से बड़ा। लेकिन उसके पीछे अगर निगेटिव साइन लगा हुआ है तो यहाँ से जो निकलेगा वो ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव हो जाएगा तो वो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। अब समझ में आ गया आशीष? जब वैल्यू डाल देंगे किसी वेरिएबल्स का तो उसके साथ यही कंडीशन होगा, उसमें से हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर उसके पीछे कोई साइन नहीं है तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो निकलेगा। और उसके पीछे अगर साइन लगा हुआ है मॉडुलस के पीछे, मॉडुलस के अंदर से नहीं कोई फर्क पड़ेगा, मॉडुलस के पीछे साइन लगा हुआ है अगर निगेटिव का तो वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि मॉडुलस से बाहर आने वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और निगेटिव ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो। चलिए अगला इसका प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ वाई। ये जैसे देखो कोई भी दो नंबर्स ले लेंगे और यहां पे एक्स मीन्स है ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, केवल एक्स x और y के किसी भी वैल्यू के लिए x प्लस वाई मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। ऐसा कैसे हो जाएगा तो हम दो फॉर्म लेते हैं, ये देखो हमने अगर ले लिया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसी टर्म्स को उधर रखते हैं, अब यह कंडीशन क्या बनेगी, वन और फाइव, हाँ सेकेंड में से फाइव निकलेगा, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा ये होता तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो फाइव को और फाइव निकलता, लेकिन एक को हम उसमें निगेटिव ले लिया तो ये वन और ये फाइव निकला। तो ये कंडीशन ये दर्शाती है कि जब मॉडुलस के अंदर जो ऑपरेशन होंगे और वो ऑपरेशन अलग अलग मॉडुलस को लेकर होंगे तो अलग अलग ये यानी कि इंडिविजुअल मॉडुलस ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन ऑपरेशन अंडर मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर जो भी ऑपरेशन होगा और उन सारे नंबर का वही ऑपरेशन मॉडुलस के बाहर करते हैं तो वो हमेशा ही क्या होगा इंडिविजुअल मॉडुलस ऑपरेशन ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। ठीक है चलो, तो यह तीसरा कंडीशन है। चौथा प्रॉपर्टीज उसका क्या है, ये पॉजिटिव के लिए था और निगेटिव में भी वही कंडीशन रहेगा लेकिन वो कंडीशन उल्टा हो जाएगा, इंडिविजुअल मॉडुलस का सबट्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द मॉडुलस ऑफ इंडिविजुअल मॉडुलस।
का सब्ट्रैक्शन ऑलवेज लेस देन द ऑपरेशंस विथ दिस नंबर्स अंडर मॉडुलस, यानी कि मोड एक्स और मोड वाई का सब्ट्रैक्शन अंडर मॉडुलस जब होगा तो उनका सेपरेट वैल्यूज वाइज मॉडुलस ऑपरेशन बड़ा होगा। जैसे मान लो तो उसी टर्म को हम ले लें तो ये हो जाएगा 2 और ये निकलेगा 3, क्योंकि यहाँ पे होगा मॉडुलस वाई तो ये 3 निकलेगा और इनका ऑपरेशन कर देंगे तो ये -1 होगा तो यहाँ से 1 निकलेगा। लेकिन इस ऑपरेशन की बात करें तो ये 2 है और -3 हो जाएगा 2+3 और ये 5 हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो आएंगे ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 कब, जब दो नंबर दो और उनके मॉडुलस सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस उनके एब्सोल्यूट वैल्यू के सब्ट्रैक्शन का मॉडुलस से हमेशा छोटा या उसके ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा है माइनस मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स। तो एकदम क्लियर यहां बात है कि अगर x का कोई भी वैल्यू हम लेते हैं तो वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव यूनिट। तो क्या होगा जब इसमें से पॉजिटिव निकलेगा तो ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। और मान लो कि निगेटिव ही वैल्यू दिया होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म्स अगर निगेटिव दिया गया है तो बराबर होगा, पॉजिटिव दिया है तो उससे बड़ा हो जाएगा। और ये वाला टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा तो ये उससे या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अगर मान लो कि निगेटिव दिया गया तो वो उससे बड़ा हो जाएगा और सिंगल टर्म पॉजिटिव लिया गया तो बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? क्योंकि ये जब निगेटिव लिया जाएगा तो भी पॉजिटिव निकलेगा, इसमें से निगेटिव पार्ट बचेगा और ये निगेटिव है इससे छोटा ये हो गया। तो ये तो निगेटिव होता है पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। तो अगर ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ली गई तो ये छोटा हो जाएगा, ये उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव ली गई तो ये छोटा बराबर हो सकता है और या फिर उसके ये वाला पार्ट है ये पॉजिटिव आएगा तो उससे बराबर। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस को जॉइन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। छठा है प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई किसी भी वैल्यू के, चाहे निगेटिव डेरिवेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, उसमें जो प्रोडक्ट करेंगे तो साइन जो बदलती है, साइन बदलती है और वो साइन बदलने से क्या हो जाता है, जो वैल्यू आएगा वो यहाँ भी साइन बदल के आएगा तो वैल्यू वही आएगा, इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जैसे मान लो कि इसको 5 ले लिया, इसको -6 ले लिया तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा -40 या मॉडुलस है तो ये 40 ही निकलेगा और यहाँ से दोनों पॉजिटिव निकलेंगे और ये भी 40 होगा तो ये कंडीशन हमेशा बराबर रहेगा। यानी कि कोई दो वैल्यूज है एक्स वाई के कोई भी निगेटिव निगेटिव हो पॉजिटिव पॉजिटिव हो निगेटिव पॉजिटिव हो कोई भी वैल्यू हो उन दोनों के प्रोडक्ट का मॉडुलस उनके इंडिविजुअल मॉडुलस प्रोडक्ट के बराबर ही होगा हमेशा, वो कभी भी बड़ा या छोटा नहीं होगा। समझ में आया? हर पॉइंट्स को इसलिए बार बार पूछ रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स जो है वो रिपीट किया जा रहा है और
कुछ क्वेश्चन पे है जो आज रिपीट होगा और उसमें कुछ गलतियां मेरी भी है, जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा एंड विजुअल हमने आपको आंसर भेज दिया और फिर दूसरा कोई उसी क्वेश्चन को पूछ दिया। चलिए तो इसलिए हमने जो कल हमने किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं भेजा है क्योंकि इंडिविजुअली भेजना पड़ता है, उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है तो वो सभी देखेंगे। बारी बारी से क्वेश्चन आ रहा है। चलिए सातवां देखते हैं। एफ वाई के किसी वैल्यू के लिए वाई इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसी कंडीशंस में अगर उनका मॉडुलस लिया जाएगा तो उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के डिविजन के बराबर ही आएंगे, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे मान लो कि इसे निगेटिव पॉजिटिव भी लेते हैं, जब भी निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा और ये दोनों भी मॉडुलस में है तो इसमें से कभी निगेटिव निकलेगा नहीं, तो डिविजन जो रहेगा जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं आया है? चलो आठवां। किसी भी वैल्यूज के लिए किसी भी वैल्यूज के लिए अगर मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे तो वो उसके इंडिविजुअल वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, और वो ऐसा इसलिए होगा कि मॉडुलस के अंदर एक्स है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन निगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे या पॉजिटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की कंडीशन में वो भी पॉजिटिव ही आता है। तो स्क्वायर का मतलब चाहे निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, डबल ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन किसी नंबर का इटसेल्फ और वो दोनों तरफ करेंगे तो वो बराबर ही आएगा, क्योंकि इसमें से तो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा लेकिन निगेटिव का भी स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी बराबर ही होगा, ये भी अनइक्वलिटी साइन के साथ नहीं जुड़ेगा। आशीष इसमें कोई प्रॉब्लम्स है अब तो इसको आप सब फिर से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस में इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं होती है और वो जो कंडीशन होती है ग्रेटर देन इक्वल टू उसमें सॉल्यूशंस नहीं, तो सॉल्यूशन को हमको केवल ग्राफिकल्स करने पर प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ में दिखाता है कि देखो ये जुड़ा नहीं, नंबर्स में शायद हमको कम समझ में आए लेकिन ग्राफ पर तो बिल्कुल समझ में आ जाता है कि ये पॉइंट से दूसरे से जुड़े हुए हैं और इतना ही मॉडुलस का प्रॉपर्टी है। हाँ जैसे कि अभी ग्राफ हमने बनाया था तो एक मिला था आपको कि माइनस वन से लेस है तो मिनिमम वैल्यू उसके निगेटिव इन्फिनिटी हो गया था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस वन, उस सीरीज के जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो उसका मैक्सिमम हो जाता है और जो सबसे छोटा होता है वो मिनिमम हो जाता है। सेट ऑफ वैल्यू निकाल लेते हैं और उसमें से छोटा बड़ा चूज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर सीरीज में निकाल कर करते हैं हम लोग, और आगे बढ़ो वहाँ हम दिखाएंगे जब आप लोगों के पास डिफ्रेंशिएशन आएगा उसमें मैक्सिमम मिनिमा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेस देन जीरो देन इट विल बी मैक्सिमम और ग्रेटर देन जीरो इट विल बी मिनिमम, ये हम दिखाएंगे जब हम लोग आएंगे। सीरीज मैंने बताया कि सीरीज आप लोगों का इस साल ही खत्म हो जाएगा टेन तक का, तो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो इलेवन ट्वेल्थ का ही होगा, तो फिर उसमें आप लोगों को मिल जाएगा उसके सिंपलर फॉर्म में कैसे हम इसको मैग्मा मिनिमा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ तो फिर हमें ग्राफ में करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो थी मॉडुलस की थी, पीछे जो था वो इनइक्वलिटीज के कुछ पार्ट थे और यहीं से मिलाकर इतना ही जो जूनियर बेस है इसमें इतना ही करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना। तो फिर आप इसको किस टाइप का वो कर लेना, रिवाइज कर लेना। आप लोगों को भेजे गए क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो उज्ज्वल का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द
pair of four numbers so that their sum can't exceed 10, and difference of twice the first number and thrice the second number can't exceed 12. सबसे पहले जो है हम इसको क्या करेंगे, इसके दिए गए कंडीशन के अनुसार हम इसका सॉल्यूशन बना लेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि इसमें दो जो होल नंबर है वो एक्स वाई है, लेट टू होल नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब इस एक्स वाई के अनुरूप जो क्वेश्चन में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई के जो हम कंडीशन बनाते हैं, तो हमें ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रहा है कि दो नंबर जो है वो किसी भी हालत में दोनों का सॉम जो है वो कितना नहीं होना चाहिए, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कि 10 हो या 10 से छोटा हो। तो उसके लिए कंडीशन हमारा मिल गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। अब चूंकि ग्राफ बनाना है तो यहीं पे इसका हम बॉक्स भी बना देते हैं। और इसकी वैल्यू को देखते हैं, एक्स वाई की वैल्यू का निकालना है, आप ये देख लीजिए। अगर आप एक्स को 4 रख देते हैं, क्योंकि जब ग्राफ पिछली बार मैं बना रहा था तो मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, ग्राफ जो बनाएंगे वो इक्वलिटी साइन से बनाएंगे, वो लाइन होगी, उस लाइन के प्रेजेंट होने वाले क्या होंगे, नंबर्स होंगे, और ग्रेटर देन या इक्वल टू है उनके आगे या पीछे ऊपर या नीचे लगने वाला सारे नंबर्स होंगे। तो इक्वलिटी साइन को लेकर हम समझते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x 4 y 6 इजी है, कोई निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा 5 लेंगे तो दोनों 5 हो जाएगा, और तीसरा 6 लेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि x 6 लिया तो y 4 हो गया। अब इस कंडीशन से भी ग्राफ बनाना है, और दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन 2x माइनस 3y, यहां पे आप देखें ट्वाइस डिफरेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर, तो 2x हो गया क्योंकि फर्स्ट नंबर को हमने एक लिया है, और थ्राइस ऑफ द सेकंड नंबर y 3y नेवर कांट बी 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, यहाँ पे भी इक्वल के साइन लेकर एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स में इसकी वैल्यूज को देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पे हम वाई को 0 रख लेते हैं, तो एक्स कितना होगा, वाई को 0 रखेंगे तो एक्स 6 हो जाएगा, ठीक है। y को 0 रखेंगे तो x 6 होगा ना, या मैं कैलकुलेट क्या नहीं कर रहा हूं, जो नंबर मैं दे रहा हूं मैंने कैलकुलेट करके लिखा है, आप लोग प्रैक्टिस करके एक बार कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद अगर y माइनस 2 लिया तो x 3 हो जाए, कंडीशन तो देखिए, और x को अगर 0 ले लिया तो y कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों से होकर इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन x ले लिया, वर्टिकल लाइन y ले लिया, और इस पर नंबरिंग कर दिया।
डिफरेंस होगा। अब पहला आपका इक्वेशन का x plus y is equal to 10 और उसका हम ग्राफ बना लेते हैं। जो जो पॉइंट दिया उस पॉइंट को नोट आउट करोगे और नोट आउट करके एक कंडीशन खींचोगे वो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 5 5 है, सिक्स जीरो है और 4 और 6 था। यहाँ पे 4 सॉरी 6 0 नहीं है, यहाँ पे 4 और 6 था। और दूसरा कंडीशन कौन सा लिया था, ये 4 6 6 और 4 ये कंडीशन है। और इस कंडीशन से होते हुए क्या निकाल दिया, लाइन ले लिया, लेकिन सिंगल लाइन से नहीं। अब इस लाइन पे ये लाइन पे जो नंबर है वो उसके वैल्यूज है और बाकी सारे वैल्यू जो इसके नीचे वाले हैं ये सारे वैल्यू भी उस इक्वेशन के वैल्यूज होंगे, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है टू एक्स माइनस थ्री वाई लेस देन इक्वल टू 12। और उस कंडीशन से जो वैल्यू मिला इसके ऊपर वाला सारा वैल्यू ये सारे वैल्यू उसके हैं। अब इसमें आप देखोगे कि कुछ कॉमन वैल्यूज है और अपने हिसाब से हम निकालेंगे उस कॉमन वैल्यूज को। जैसे ये देखो कंडीशंस में दिया हुआ है इक्वेशंस में यानी क्वेश्चंस में कि वो नंबर्स क्या है, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर जीरो को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये हमारे नंबर्स आएंगे इतने, यहीं पे खत्म हो जाता है ऐसे, और ये हमारे नंबर आएंगे, वो सारे नंबर्स होंगे वो ये होंगे। ये कंबाइंड फॉर्म जो येलो कलर से है वो सारे नंबर्स होंगे और उसमें भी सारे नंबर नहीं होंगे, नंबर कौन कौन सा होंगे तो होल नंबर्स है तो ये 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होता है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आएंगे होल नंबर्स में। अब ये तो हो गया कि होल नंबर्स में पॉजिटिव आया 1 प्लस 9 भी 10 होता है, 2 प्लस 8 भी 10 होता है, लेकिन अब कंडीशन हमको लेना है और वो कंडीशन लेना है कि इसके ऊपर जाना है हमको और ऊपर में जो रेड कलर की लाइन है, जो रेड कलर की लाइन है उस लाइन को देखो गौर से और ये देखो कि वो एग्जैक्ट किस किस काउंटिंग नंबर पर टच किया है। आंसर तो आप लोग रेड लाइन जो है वो एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर पर किस किस काउंटिंग नंबर पर टच किया है, वो पेयर्स कौन कौन सा है। तो यहां से एक 6 4 यानी कि एक 6 लेंगे तो वाई 4 आएगा, दूसरा कट लगा हुआ है तो ये देखो 5 5, तीसरा कट लगा हुआ है 4 6 है, सातवां 3 और 7 का लगा हुआ है, इसी तरह 8 और 2 9 1 और 10 0 ये कट लगेगा जो ऊपर तक तुमने नहीं बनाया है और उधर जरूरत भी बहुत सारे की नहीं है। अब हमें तो निकालना है कि दोनों कंडीशन को फॉलो करें, हम इस कंडीशन को लेते हैं
6 plus 4, that is equal to 10. I am now. आएगा तो एक कंडीशन हुआ और दूसरा कंडीशन हम उसके नीचे लेते चले जाएंगे तो 5 plus 4 less than 10 होगा इस तरह की कंडीशन आएंगे लेकिन वो दूसरा भी फॉलो करना चाहिए अब मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे दूसरा कंडीशन ले लेते हैं दो ही को हम कर सकते हैं 5 plus 5 is equal to 10 ये भी equal to 10 आया ठीक है लेकिन अब इस इक्वेशन के लिए इसमें देखो कौन कौन वैल्यू फैक्टर है 6 द होल स्क्वायर ट्वाइस कितना होगा 12 माइनस 4 इंटू 3 12 दैट इज इक्वल टू 0 जो कि एक होल नंबर है और लेस देन 12 है लेकिन इसके बाद वाले को लो 5 का लेते हैं तो 5 टू या 10 माइनस 15 क्या है माइनस 5 जो कि एक होल नंबर नहीं है तो अब इसके नीचे जाएंगे वो इसी तरह कंडीशन है 4 वाला भी लेंगे 3 वाला भी लेंगे 2 वाला भी लेंगे तो उसमें होल है ये 6 लिया है इसके वैल्यू तो 2x इज इक्वल टू 12 और y की वैल्यू 4 है तो 3y 12 माइनस 12 0 जो कि एक होल नंबर और इसके बाद जब हम करते हैं होल नंबर 5 तो वहां से नेगेटिव नंबर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और नीचे तक पीछे तक जितना ले जाएंगे वो सारे नेगेटिव आते जाएगा तो यहां से 0.5 से सारा नंबर इधर कट हो जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा होल नंबर विच सेटिस्फाइड ऑल टू इक्वेशंस इज 6 एंड 4 आंसर आपका हो जाएगा पेयर वो जो होगा वो 6 और 4 ठीक है